जैसा कि अभी अपने विशेषण मैंने शुरू किए थे उसमें हमने गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ लिए थे। आज उसी का अगला भाग संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण जैसे संख्यावाचक विशेषण, परिभाषा इसकी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण, जैसे कार में 10 लोग बैठे हैं। कार में 10 लोग बैठे हैं। यहां देखिए ये दो 10 संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध करा रहे हैं। कार में लोग, संज्ञा इसकी विशेषता, संख्या का बोध करा रहे हैं 10। ये होता है संख्यावाचक विशेषण कि जिसमें संख्या का बोध हो। परिमाणवाचक में हमने पढ़ा था मात्रा, माप, तोल, और संख्या में संख्या का बोध। संख्या के भी दो भेद है, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए यहां निश्चित संख्या है कि कार में 10 लोग बैठे हैं। 10 है जो निश्चित संख्या है, ठीक है, इसलिए इसको निश्चित वाचक संख्यावाचक, निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसी में दूसरा इसका जो भेद है वो है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और कहें निश्चित संख्यावाचक विशेषण था उसमें निश्चित संख्या का संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या, और यहां अनिश्चित संख्या, जैसे कमरे में 10 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यहां पे संख्या का तो पता है लेकिन कितनी है इसका पता नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं कि कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं इसका पता नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहां पे पता है कि निश्चित संख्या है, यहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये दोनों इसके भेद है। संख्यावाचक विशेषण दोबारा बता देता हूं, संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। इसके दो भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता हो, जैसे कार में 10 लोग बैठे हैं। यहां पे जो 10 है ये निश्चित संख्या का प्रदर्शन कर रहा है, बता रहा है कि कार में 10 ही लोग बैठे हैं, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं जिसमें संख्या का हमें पता नहीं होता है, जैसे कार में कमरे में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। इस प्रकार ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है, लोग है, तो दोनों में संख्या होगी। परिमाणवाचक विशेषण में हमने मात्रा, माप, तोल पढ़ा था, यहां हम संख्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसका ध्यान करना, कई बार थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। मैं कुछ एक उदाहरणों के द्वारा आपको समझा देता हूं, कुछ एक उदाहरण मैं बताता हूं कि किस प्रकार इनमें अपने को भेद करना है। परिमाण में मात्रा, माप, तोल, संख्या में संख्या आएगी। जैसे एक उदाहरण है कि राम बाजार से 2 किलो
सेव लाया, ठीक है। और इसी का दूसरा उदाहरण, राम बाजार से 2 सेव लाए। एक और कर लेते हैं कि चलो पहले ही करवा देता हूं मैं आपको। राम बाजार से 2 किलो सेव लाया। अब देखिए यहां पे 2 किलो परिमाण का, क्योंकि सेव है इस समय मात्रा इनकी कि 2 किलो लाया, ठीक है, इसलिए इसको अपने परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। और एकदम पता है कि 2 किलो, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक। और यहां पे देखिए राम बाजार से 2 सेव लाया, 2 सेव, यहां परिमाण नहीं है, यहां संख्या है, ठीक है, यहां संख्या है और यहां परिमाण है, यह निश्चित संख्यावाचक है या निश्चित परिमाणवाचक है, बस इतना सा इनमें भेद है। थोड़ा सा अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो निश्चित रूप से आपको यह पता चल जाएगा कि कहां तो परिमाण होगा और कहां संख्या होगी। जैसे एक और उदाहरण है, तालाब में पानी कम है, कमरे में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यहां पर भी यही है, ये जो है परिमाण दर्शा रहा है, क्योंकि पानी परिमाण में आता है, मात्रा माप तोल में आता है, और यहां व्यक्ति संख्या दर्शा रहे, लेकिन यहां ना तो हमें इसका पता है कितना मात्रा है और ना इसका पता है कि कितनी संख्या है, इसलिए यहां पे अनिश्चित परिमाणवाचक और यहां पे अनिश्चित संख्यावाचक। इस प्रकार हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं कि कहां परिमाणवाचक विशेषण होगा, कहां संख्यावाचक विशेषण होगा। सभी भैया भाई थोड़ा ध्यान करेंगे कि आप कम से कम 5 वाक्य परिमाणवाचक विशेषण और 5 वाक्य संख्यावाचक विशेषण कैसे इनका अभ्यास करें, और वो अभ्यास करके आप स्वयं ढूंढे कि कहां हमें परिमाण का पता करना है और कहां हमें संख्यावाचक का पता करना है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अगर ऐसे कोई शब्द, ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको इसका पूरा का पूरा, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसको जैसे आ गया संख्यावाचक विशेषण किससे कहते हैं उदाहरण से समझाइए, तो आपको संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा पहले, फिर एक उदाहरण दिया, फिर कहा कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है, दोनों भेद निश्चित संख्यावाचक जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता हो, अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता हो, ठीक है। जैसे राम बाजार से 2 सेव लाए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कमरे में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहां दोनों में संख्या का हमें पता लग रहा है। तो इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण समाप्त हुआ है। आप सभी से यही है कि आप इसका अभ्यास जरूर करें, इनके 5-5 उदाहरण, पहले तो इनके 5-5 उदाहरण और फिर इन दोनों में जो अंतर करने वाले हैं वो भी 5 उदाहरण आप अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर करें। आगे वाला है जिसको कहते हैं संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण या इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम दोनों जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा नाम में अंतर है, कई बार संकेतवाचक पूछ लेते हैं, कई बार सार्वनामिक पूछ लेते हैं, नाम में कुछ नहीं है, आपको दोनों की परिभाषा एक ही है, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार अपने इसमें ये रह जाते हैं कि भी पता नहीं कौन सा बताना है, ठीक है, तो सार्वनामिक या संकेतवाचक दोनों की बातें एक ही, इनकी परिभाषा देखिए। सार्वनामिक क्यों कहते हैं कि ऐसे सर्वनाम के शब्द, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका कभी कभी हम विशेषण में भी प्रयोग करते हैं, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका हम कभी कभी विशेषण में भी प्रयोग करते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक वो भी यही है, इसमें संकेत होगा, मैं आपको अभी उदाहरण के द्वारा बता दूंगा
तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा कि ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनका कभी कभी विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेके आप देखें, एक उदाहरण है छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब देखें कि छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पे जो कोई है ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम है, लेकिन यहां इस समय ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ठीक है, इसका प्रयोग हम अभी विशेषण के रूप में कर रहे हैं, इसलिए कोई जो है वो सर्वनामिक विशेषण है, और वैसे ये सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। परिभाषा मैंने भी बताई थी कि ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनका कभी कभी विशेषण में भी प्रयोग होता है वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे एक और उदाहरण है, उस घड़ी में 3 बजे है। अब देखें ये जो शब्द है संकेत कर रहा है कि उस घड़ी में 3 बजे है, तो देखिए संकेतवाचक विशेषण भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान करना कि ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनका हम कभी कभी विशेषण में भी प्रयोग करते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, या इसका एक और उदाहरण है वह मेरी पुस्तक है। यहां जो वह शब्द है यह भी सर्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार से इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान करें, उस जो शब्द है यह भी सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण में आता है। इस प्रकार से हम इन विशेषण को इससे समझ भी सकते हैं कि कैसे क्या होते हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि आप जो सार्वनामिक विशेषण है, जो संकेतवाचक विशेषण है, इनके भी आप पांच पांच उदाहरण आप जरूर बनाए, क्योंकि जब तक आप किसी कार्य को नहीं करेंगे निश्चित रूप से वो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप उदाहरण बना के आप पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरे उदाहरण है, आप देखें, चेक करें, जांच किया जाए, वो सब कार्य किया जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान करना कि वहां जो भी वाक्य बनाए आप उसमें सर्वनाम होगा, ये निश्चित ही होगा। तो सर्वनाम है वो एक विशेषता प्रकट करें, जैसे वो देखे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरे पिताजी हैं, उस घड़ी में 3 बजे है, छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस प्रकार के जो वाक्य ये सभी सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब अंतिम जो है अपने पढ़ रहे हैं इस सारणी में आपके, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, देखिए सीधी सी बात है, इससे स्पष्ट भी हो रहा है व्यक्तिवाचक कि हम संज्ञा पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के जिनका अब विशेषण में भी प्रयोग होने लगा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऐसे शब्द जिनका अब विशेषण में भी प्रयोग होने लगा है वो होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्ति का नाम होगा, यही तो अपना पढ़ता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें नाम होगा, व्यक्ति का नाम आएगा, वस्तु का नाम आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम व्यक्तिवाचक विशेषण को पढ़ते हैं। इसमें कुछ गिने चुने शब्द हैं, गिने चुने, उन्हीं से वाक्य बनता है, बस एक थोड़ा नया सा शब्द है, बाकी सब आपके सुने हुए हैं। जैसे एक है कश्मीरी सेब, जोधपुरी पगड़ी, जोधपुरी पगड़ी। इसके अलावा इसमें जो अन्य शब्द हैं चलिए कोई बात नहीं है, एक जो नया है वो है विलायती
इसके अलावा भी थोड़े शब्द है इसमें जो विशेषता बताते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषता बताते हैं। यह जो विलायती कुत्ता है यह भी व्यक्तिवाचक विशेषण में आता है। बस ये जो चीज है ना, ये कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान नहीं करते कि जैसे एक वाक्य आ गया, राम ने विलायती कुत्ता खरीदा। अब देखिए ये जो विलायती शब्द है, विलायती माने विदेशी, ठीक है, कुत्ता। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है व्यक्तिवाचक विशेषण है। भाई कुत्ता जातिवाचक संज्ञा था, लेकिन जब इसका एक विलायती शब्द आ गया तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया, क्योंकि विशेष हो गया, ठीक है ना, विशेष हो गया। इसलिए यह जो शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, लेकिन अभी इसका प्रयोग हमें विशेषण में कर रहे हैं, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान करना। ये कश्मीरी सेब है, जोधपुरी पगड़ी है, जयपुरी भाई जयपुरी जूते हैं, या ऐसा सा कुछ एक शब्द आता है, तो वो जो चीजें हैं वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होती है। तो अपना जो प्रयास है वो ये रहे कि ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण है इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं और इनका प्रयोग हमें विशेषण में करते हैं, ठीक है। तो इसके भी आप दो या तीन उदाहरण ऐसे करें व्यक्तिवाचक विशेषण के, ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए कि भाई व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब देखिए मैं दो चार आपको उदाहरण दे रहा हूं, इन उदाहरणों को आप अपने कॉपी में जरूर करें। उन उदाहरणों से पहले एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, वो होता है प्राय विशेषण। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि अपने पढ़ते भी हैं, प्राय विशेषण। प्राय विशेषण क्या होता है कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। प्राय विशेषण माने ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्राय विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा सुंदर नृत्य करती है, ठीक है। अब देखिए जो सुंदर शब्द है ये हमने शुरू में पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण में आता है, ठीक है। अब देखिए इसी का एक और वाक्य कि राधा बहुत सुंदर नृत्य करती है। अब देखें यह था गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब इस गुणवाचक विशेषण की भी ये जो शब्द है वह विशेषता बता रहा है कि राधा सुंदर नृत्य करती है, गुणवाचक विशेषण। राधा बहुत सुंदर नृत्य करती है, यह हो गया प्राय विशेषण। जो बहुत शब्द है ये प्राय विशेषण, गुणवाचक विशेषण सुंदर। बस यही है कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो शब्द प्राय विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। देखें विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि सुंदर करती है, लेकिन बहुत सुंदर करती है, ठीक है। तो ये होता है प्राय विशेषण। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, बहुत नॉर्मल वाक्य है और ऐसे शब्द आपको जहां मिल जाए लगभग लगभग उनको आप जब पढ़ोगे दो बार उस वाक्य को, तो निश्चित रूप से वहां प्राय विशेषण ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने विशेषण का ये जो भाग था ये पूरा कर लिया है। कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप निश्चित रूप से घर पे इनका अभ्यास करें। पहला वाक्य है कि राम ने बाजार से 3 ग्राम केसर खरीदी।
रेखांकित पद है, आपको वहां पे बताना है कि रेखांकित पद में विशेषण कौन सा है। दूसरा, मोहन ने कुछ पुस्तकों को अलमारी में, मोहन ने कुछ पुस्तकों को, चलो सीधा ही लिखते हैं इसमें, मेज पर रखा। ठीक है, यहां पे रेखांकित पद। तीसरा, श्याम बहुत परिश्रमी बालक है। तो यहां पे दो में तीन वाक्य हो गए। चलिए चौथा, कि सीता ने बाजार से 2 किलो कश्मीरी सेब खरीदे। यहां पे रेखांकित पद। ठीक है, अंतिम देखें, बाजार में बहुत भीड़ थी। ये हो गया पांचवा वाक्य। ठीक है, तो आप इन पांच वाक्यों में कहां कौन सा विशेषण है, ये आप निश्चित रूप से घर पे करेंगे और इनका अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार हमें विशेषण का पता लगाना है। आपको मैं एक बार फिर से कह देता हूं, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण अगर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं सामान्य रूप से, लेकिन हम उसका आदर करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप परिमाणवाचक विशेषण अगर आ जाए तो आप परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देते हुए इसके दोनों भेदों को भी परिभाषा दी। ठीक है, या संख्यावाचक आ जाए तो आप संख्यावाचक की भी दोनों की परिभाषा, पहले इसकी फिर इसकी, और इनके एक उदाहरण, इस प्रकार से प्रश्न को पूरा करें। जब आप प्रश्न को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो नंबर है बोर्ड परीक्षा में वो पूरे के पूरे दिए जाते हैं, लेकिन हम आधा प्रश्न करके छोड़ देते हैं, जिस कारण हमारे वो जो नंबर है वो परीक्षक द्वारा कम दिए जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे बार बार यही है कि इनको थोड़ा ध्यान से करें, और बाकी जो विशेषण मैंने आज जो समझाया है, पहले भी जो समझाया था, सबके पांच पांच उदाहरण, सभी के पांच पांच उदाहरण आप लिखें, आप लिखने का अभ्यास करें, ताकि ठीक रहेगा, आपको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जो पांच वाक्य मैंने लिखाए हैं, ये भी आप, इनमें भी आप पता लगाएं कि कौन सा विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है, इनके आगे जरूर लिखें, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, धन्यवाद।